हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैग्नेट मैनेट्स मैं रूपाली वर्मा आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास इलेवेंथ की अंतरा बुक का चैप्टर है हस्तक्षेप ये एक कविता है जिसे लिखा है श्रीकांत वर्मा जी ने यह कविता क्यों लिखी गई है बात यह है कि जब किसी भी तरह का शासन होता है तो उसमें कोई कुछ ना कुछ अंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति होता है इसीलिए हर सरकार के अगेंस्ट में विपक्ष बैठती है कि उसको बताती रहे कि वो कहाँ गलत कर रही है उसकी गलतियों पर उंगली उठाती रहे तो यही चीज इन्होंने इस कविता के अंतर्गत हमें बताया है कि हस्तक्षेप जरूरी है और जब हस्तक्षेप नहीं होता तो किस तरीके से शासन निरंकुश हो जाता है यानी कि वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करता है चारों तरफ अत्याचार होता है दुख व्याप्त होता है शासन में तो यहाँ पर इन्होंने मगध के ऊपर ये कविता लिखी हुई है कि मगध राज्य में जो है किस तरीके से अत्याचार फैला था उसके ऊपर निरंकुश लगाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था इवन जनता तक को उस शासन में कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं थी तो अब इसी कविता को पढ़ते हैं इसका लाइन वाइज अर्थ समझेंगे और फिर इसको लिखने का तरीका यानी कि इनकी व्याख्याएं हम कैसे लिखेंगे ये भी देखेंगे तो सबसे पहले कविता देखते हैं कोई तक नहीं, इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए मगध है तो शांति है अब ये क्या चीज दी है इन्होंने कोई ठीकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए अब छीकना जैसा जिसपे किसी का बस नहीं है तो यहाँ छीकने का प्रयास लिटरली छीकने से नहीं है बात यह है कि कोई एक बात का एक वर्ड एक शब्द तक नहीं बोलता विरोध का एक शब्द भी नहीं बोलता कहीं कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाता किसी तरीके का कुछ नहीं बोलता विरोध ही नहीं करता कि नहीं ये सही नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें यह सुविधाएं नहीं मिल रही सरकार की तरफ से हमको मिल ली चाहिए तो छींकने का तात्पर्य यहां है कि विरोध के एक शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना क्या दिया है कोई छींकता तक नहीं मतलब कोई कुछ एक शब्द बोलता भी नहीं सिर्फ इस डर से कि मगध की, की शांति मगध यहां सरकार के लिए राज्य के लिए देश के लिए किसी भी देश के लिए इस्तेमाल किया गया है मगर मगध राज्य इस्तेमाल किया गया तो मगध की शांति यानी कि वहां पे जो शासन कर रहे लोग हैं उनके शासन में किसी तरह का खलल ना पड़े मतलब वो जैसा चला रहे हैं चलाते रहे उसमें किसी भी प्रकार का कोई खलल उत्पन्न नहीं होना चाहिए मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रखनी ही चाहिए मतलब अगर मगध के ऊपर शासन रखना है तो वहां पर शांति बनाए रखनी क्योंकि अगर हमने विद्रोह किया तो वहां की सरकार गिर जाएगी और जब वहां की सरकार गिर जाएगी यानी कि जो राज्य सत्ता इस समय काबिज है वो अगर हट जाएगी उस राज्य को संभालने वाला कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है इसलिए अगर मगध को रखना है अगर इस शासन सत्ता को चलाए रखना और जब कोई भी शासन नहीं होगा मान लीजिए जो अभी सरकार चल रही है उसको गिरा दिया जाए और दूसरी सरकार बनाने के लिए कोई दूसरी पार्टी नहीं है उसमें क्या होगा उसमें तो हमारे देश के ऊपर बाहरी देशों का आक्रमण हो जाएगा उस परिस्थिति में हमारे ऊपर इस समय जो सरकार है उससे कहीं ज्यादा अत्याचार शुरू हो जाएंगे इसलिए चलो ठीक है जो शासन अभी है अत्याचार कर रही है ठीक है लेकिन कम से कम बनी तो है हमारे ऊपर एक छत्र छाया तो है तो वही उन्होंने बोला कि मगध अगर मगध को बनाए रखना है अर्थात इस सरकार को बनाए रखना है यानी हमें अपने देश को बचाए रखना है तो इस शांति को हमें बनाए रखना है क्यों मगध है तो शांति है क्योंकि जब तक ये शासन है तब तक शांति है क्योंकि अगर ये शासन चला गया तो हमारा देश कैसा अनाथ हो जाएगा और तब बाहरी देशों के आक्रमण का खतरा हम पर बढ़ जाएगा इसलिए चुपचाप जो हो रहा है हमें वो सहना है अब ये शुरू की जो पंक्तियां हमने पढ़ी अब इसकी व्याख्याएं देखेंगे कि व्याख्या कैसे हम लिखते हैं प्रस्तुत काव्य पंक्तियां श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित हैं। इस कविता में कवि ने मगध की शासन व्यवस्था पर प्रहार किया है मगध राज्य पे जो शासन कर रही है सत्ता मतलब जो राजा राजा है जो दरबारी हैं उन सब के कार्य करने के तरीके पर कवि कहते हैं कि मगध की शासन व्यवस्था लोगों के साथ अन्याय करती है लोगों में इतनी व्याकुलता है जिसे देखकर लगता है कि मगध की शांति के लिए अब आवाज उठानी ही चाहिए प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने छींक शब्द का प्रयोग किया है तो ये प्रतीकात्मक वर्ड है यहां छीकने का तात्पर्य शासन व्यवस्था की ओर व्यंग्य की गलत की गलत पर गलत हुआ जा रहा है मगर कोई विरोध नहीं करता यानी कि जो कोई भी गलत कर रहा है उस पर कोई भी विरोध यानी एक शब्द नहीं बोलता तो हमने बताया था ना आपको छींकने का तात्पर्य है कि कुछ भी विरोध नहीं करना यदि शासन में शांति लाने की व्यवस्था है तो ही मगध है अगर इसका विद्रोह किया जाए तो मगध का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा यानी कि जो शासन है अगर हमने उसका विरोध किया तो ये पूरा मगध राज्य ही नष्ट हो जाएगा कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति मगध के शासन के खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर दबाव डाल दिया जाता है कोई भी व्यक्ति मगध के शासन के विरुद्ध आवाज ना उठाए क्योंकि मगध के लोगों को पता है कि अगर जनता आवाज उठाएगी तो वह एक अशांति को जन्म देगा तब अब तक जो भी राजनीति या मनमानी वे करते आ रहे हैं विद्रोह करने से वे ऐसा नहीं कर पाएंगे अतः मगध में शांति ना आए इसका प्रयास संता के लोग हमेशा करते यानी कि किसी भी हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता कि अगर हमने कुछ किया विद्रोह हुआ तो शासन व्यवस्था उसको दबाएगी या तो वो हट जाएगी या हम पे विद्रोह होगा तो दोनों ही हालत में हमको ही नुकसान होना है वो हट गई तो मगध जो है वो पूरी तरीके से अनाथ हो जाएगा तब हम पे बाहरी सत्ताएं आक्रमण करेंगी और अगर वो हमको दबाने में काबिज हो गई तो हमारे ऊपर ही अत्याचार होगा इसलिए दोनों ही अवस्थाओं में अपने आप को शांत रखना है आगे है कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की, की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए तो अब यहां पर क्या है अभी पहले में उन्होंने चीखता शब्द इस्तेमाल किया था अब क्या इस्तेमाल कर रहे हैं चीखता तक नहीं जहां पर कोई एक शब्द बोलता नहीं उस कंडीशन में किसी के चीखने की बात तो बहुत दूर की होती है तो वही उन्होंने बोला कि यहां कोई कुछ नहीं कह सकता मतलब कोई किसी तरह का विरोध नहीं कर सकता जैसे जिस तात्पर्य में उन्होंने चीखने का इस्तेमाल किया था उसी तात्पर्य में उन्होंने चीखने का भी इस्तेमाल किया है इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए यानी कि जो शासन कर रहे हैं अगर कोई कुछ कहेगा तो उनके शासन में खलल आएगा तो इस डर से कि उनके शासन में कोई खलल ना आए अगर खलल आएगा तो वो हम पर फिर से दबाव बनाएंगे हम पर अत्याचार करेंगे इसलिए कोई चीखता ही नहीं है इस डर से कि हम पे ही दबाव बनेगा हम पे ही अत्याचार होगा मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए यानी कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए अगर हमने उसमें बदलाव की पर कोशिश करी तो उल्टा हम ही पर ही अत्याचार होंगे तो यहाँ व्यवस्था का मतलब है कि हम व्यवस्था लाना चाहें या जो व्यवस्था चल रही है दोनों ही हालात में क्या है पिसने का कार्य जनता का ही है तो यहाँ इस काव्य पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि मगध अब सिर्फ नाम के लिए मगध है यहाँ पर इतनी क्रूरता है कि यहाँ पर रहना अब मुश्किल सा हो गया है इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सिर्फ मगध की शासन व्यवस्था का विरोध किया है बल्कि यहाँ की शासन व्यवस्था के अंत, आ, अंतर्गत लोगों के मन के मन में जो डर पैदा हुआ है यहां पर उन्होंने उसका भी चित्र प्रस्तुत किया है यानी कि डर क्या है अगर कोई चीखेगा तो खुद पे ही अत्याचार होने का डर यानी कि कुछ भी शासन व्यवस्था के खिलाफ हमने बोला तो उल्टा हम ही के ऊपर जो है अत्याचार होगा इस डर से कोई वहाँ पर विद्रोह करता ही नहीं और इस तरीके से मगध की व्यवस्था कैसी हो चुकी है कि अब वहाँ किसी भी इंसान का रहना धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि वहां की शासन व्यवस्था आम जनता पे बेनतहा अत्याचार कर रही है आगे है मगध में ना रही तो कहाँ रहेगी क्या कहेंगे लोग लोगों का क्या लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है रहने को नहीं तो अब यहाँ है मगध राज्य की बदनामी से रिलेटेड है कि जो लोग अगर मान लीजिए हम यहाँ अब उन्होंने अभी इससे पहले पैरा में कहा कि मगध में रहना मुश्किल है अब अगर यहां से बाहर जाएंगे किसी और राज्य में जाएंगे तो क्या होगा ये बोलेंगे कि हम मगध राज्य से आए तो इसमें क्या होगा कि आप वहां छोड़ के क्या क्यों आए जाहिर सी बात है यहां की बात दूसरे राज्य तक पहुंचेगी और हमारे ही देश की बदनामी होगी तो वही चीज उन्होंने बोला है मगध में ना रही अगर मैं मगध में ना रही अगर हम मगध में ना रहेंगे तो हम कहां जाएंगे मतलब यहां नहीं रहेंगे तो हम कहां जाकर बसेंगे क्या कहेंगे लोगों से और क्या कहेंगे लोगों से कि हम मगध को छोड़कर यहां क्यों आए हैं लोगों का क्या अब लोग क्या लोग जो हमसे तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि आप कहाँ से आए हो क्यों आए हो अपना राज्य छोड़कर अपनी जन्मस्थली छोड़कर तो वो तो हमसे पूछेंगे तो उनके प्रश्नों का उत्तर हम कैसे देंगे लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है रहने को नहीं तो अगर हम लोगों की बात पर यकीन करें तो लोग तो ये भी कहते हैं कि ये मगध अब रहने के लिए नहीं है सिर्फ कहने के लिए मगध है यानी मगध राज्य है मगर यहाँ पर जो भी माहौल है यहाँ के शासन व्यवस्था के जो भी अत्याचार हो रहे हैं इसके कारण यहाँ पर आम जनता का रहना अब मुश्किल हो गया है यानी कि अब यहाँ पर रहा नहीं जा सकता मगध साम्राज्य की बदनामी ना हो इसलिए यहाँ का साम्राज्य लोगों पर दबाव डालता है कि वे साम्राज्य की मर्यादा को बनाए रखें अर्थात इसके अंदर ही रहें बाहर जाने की कोशिश ना करें इसीलिए तो उसमें बोला कि मगध में ना रहें यानी कि अगर हम मगध में नहीं रहेंगे तो जाएंगे कहाँ क्योंकि वो तो हमें जाने भी नहीं देंगे अन्याय के खिलाफ, खिलाफ को खिलाफ को बिल्कुल भी आवाज़ ना उठाएं। अगर वे अपनी चुप्पी तोड़ेंगे तो इस मगध राज्य के विषय में लोगों के सामने आवाज उठाएंगे तो यहाँ की शासन व्यवस्था नष्ट हो सकती है इससे यह भी यहाँ पर रहने वाले मगधवासियों पर बुरा असर पड़े तो ये भी चीज़ इन्होंने बोली क्या कि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो भी क्या होगा यहाँ नहीं रहने से यहाँ के जो बाकी लोग बचेंगे उन्हें भी श्रेय मिलेगी कि हम भी यहाँ से छोड़ के जाएँ इसलिए सबसे पहले विद्रोह को दबाइए यहाँ से जा रहे लोगों को रोकिए जब वे ही रुकेंगे तभी यहाँ की बदनामी भी रुकेगी आगे है कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप तो अब यहां पर क्या है कोई टोकता नहीं इस डर से मतलब कोई कोई बात ही नहीं कहता है कोई यहां बात कहने का तात्पर्य है कोई विरोध तक नहीं करता अर्थात एक बात नहीं जिस तात्पर्य में उन्होंने छींकते हुए बोला था चीखते हुए बोला था उसी तात्पर्य में इन्होंने यहां टोकने के लिए बोला है मतलब विरोध ना करने एक विरोध ना करने के लिए उन्होंने कितने अलग अलग वेरियंट शब्द को इस्तेमाल किया हुआ है तो इस डर से कि मगध में कहीं टोकने का रिवाज ना हो जाए अर्थात किसी एक व्यक्ति का कोई विद्रोह करेगा तो उसको देखा देखी कोई दूसरा भी विद्रोह करेगा इसलिए जो एक व्यक्ति विद्रोह करे तो सबसे पहले उसी को दबा दीजिए ताकि उसको देखा देखी कोई दूसरा विद्रोह ना करने पाए तो वही रिवाज नहीं है इसलिए क्योंकि एक जहां विद्रोह करता है वही उसको दबा दिया जाता है इसलिए वो बात आगे ही नहीं बढ़ पाती एक बार शुरू होने पर कहीं रुकता नहीं हस्तक्षेप क्योंकि अगर एक बार टोक लगती है यानी कि एक बार अगर कोई रोकना शुरू करता है तो फिर वो हस्तक्षेप रुकता नहीं हस्तक्षेप का मतलब है इंटरफेरेंस किसी भी चीज में लेकर तो वो हस्तक्षेप कहीं नहीं रुकेगा आपके हमेशा हर बात पे अगर शासन कोई भी कार्य करेगी तो हर व्यक्ति उसमें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ, ना कुछ बोलता ही रहेगा तो इस तरीके से एक एक बात करके सामने सबके आती जाएगी इसलिए यहां पर रोकने का यानी हस्तक्षेप करने किसी भी तरह का विद्रोह करने का यहां पर रिवाज ही नहीं बना तो कवि के अनुसार मगध में शासन तंत्र की अनुचित बातों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता क्योंकि ऐसा करने से वहां सत्ता का विरोध करने की परंपरा आरंभ हो सकती है परंपरा मतलब कोई एक कर रहा है फिर दूसरा करेगा तीसरा करेगा तो इस तरीके से एक देखा देखी हो जाएगी तो इस तरीके से कोई भी विद्रोह नहीं करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे भी बात जो है हस्तक्षेप की बनती जाए वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से अब आगे क्या बोलते हैं वो कि मगधवासियों तुम इस शासन व्यवस्था के अत्याचार के कारण तुमको दबा दिया जाता है कि तुम किसी तरह का विद्रोह ना कर पाओ शासन व्यवस्था पे किसी तरह की उंगली ना उठा पाओ लेकिन मगधवासियों तुम जितना भी बचना चाहो क्योंकि कोई भी अत्याचार किसी लिमिट तक सहा जा सकता है तो वही उन्होंने बोला कि तुम जितना सहते जाओगे तुम्हारे अंदर का विद्रोह उतना बढ़ता जाएगा तो तुम चाहे जितनी कोशिश करो मगर उस विद्रोह को तुम रोक नहीं पाओगे तो वही उन्होंने बोला कितना भी कतराओ मगर तुम हस्तक्षेप से बच नहीं पाओगे कहीं ना कहीं आकर आपका विद्रोह अंदर से फूट ही पड़ेगा क्या दिया है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रीकांत वर्मा जी कहते हैं कि यहाँ के लोग अर्थात मगध के लोग बड़े ही अजीब हैं यहां पर वे गलत को स्वीकार करते हैं लेकिन अन्याय एवं अत्याचार के खिलाफ वे हस्तक्षेप यानी कोई विरोध नहीं कर सकते चुपचाप अन्याय को सहन करते हैं चुपचाप सहन कर रहे हैं लेकिन कब तक वो सहन नहीं कर पाएंगे आगे उनको बढ़ना ही पड़ेगा चाहे जितनी भी वो कोशिश कर ले जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता मनुष्य क्यों मरता अब जो जितने भी जीवित व्यक्ति हैं उनमें से हस्तक्षेप कोई नहीं कर रहा तो अब यहाँ पे एक मुर्दा बोला गया एक मुर्दा व्यक्ति जो कुछ बोल नहीं सकता चल नहीं सकता कुछ नहीं कर सकता अब वो मुर्दा व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा कि यहाँ के व्यक्ति क्यों मरते हैं अर्थात मरने का मतलब यहाँ पे मुर्दा व्यक्ति वो व्यक्ति जो किसी तरह का कोई नहीं रखता यहाँ पे लिटरली मर जाने से नहीं है मतलब आपके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं सब कुछ हो रहे हैं मगर जब आप विद्रोह ना करो तो आप तो मुर्दा ही हो ना एक तरीके से जो आपके ऊपर हो रहा है आप सहते जा रहे हो तो यहां पे मुर्दा से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी भी तरह का के विद्रोह नहीं करता कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता ऐसा व्यक्ति समाज के लिए संसार के लिए मुर्दा ही है तो यहां मुर्दे का तात्पर्य यही है जब कोई नहीं करता अर्थात जब जितने भी जीवित व्यक्ति है जानने यहां जीवित से व्यक्ति है ज्ञानी माने हुए धर्मी जब वो हस्तक्षेप नहीं करते मतलब जब वो विरोध नहीं कर रहे हैं तब नगर के बीज से गुजरता हुआ मुर्दा अब यानी बीच से गुजरा मतलब नगर के बीच रहने वाला आम आदमी जो सारी चीजों को सहते सहते मुर्दा बन चुका है यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता मनुष्य क्यों मरता तब वो बोलता कि जब जीते ही जी हम इतने अत्याचारों से मर रहे हैं तो हमें मृत्यु क्यों आती है यहां तो जीवन ही मृत्यु है तो यानी कि कैसे वहां पर इतना अत्याचार था कि जीवित व्यक्ति को भी उन्हें मुर्दे के रूप में परिभाषित करना पड़ा तो यहां पर क्या दिया है मगध में रहने वाले सब लोग ये जानते हैं कि अगर वे विरोध करेंगे तो अन्याय से मुक्त हो सकते हैं इससे बाकी लोगों को भी मुक्ति मिल सकती है मगर वे डर से ऐसा नहीं करते कवि ने यहाँ मुर्दों से समाज में दबे कुचले वर्ग की ओर से इशारा किया है मतलब वो वर्ग जो बिल्कुल ही सामान्य वर्ग होता है और उसको पूरी तरीके से दबल कुचल दिया गया है उनका मानना है कि अत्याचार बढ़ने पर ऐसे लोग भी क्रांति कर सकते हैं यानी कि वो लोग भी क्रांति करेंगे अगर यानी कि जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा अच्छे उच्च पदों पर व्याप्त वर्ग अगर क्रांति नहीं करता तो ऐसे दबे कुचले वर्ग एक ना एक दिन क्रांति अवश्य करेंगे मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता किस व्यवस्था की ओर इशारा करती है क्या दिया है मगध के माध्यम से हस्तक्षेप कविता है किस व्यवस्था की ओर मतलब ये शासन व्यवस्था किसी भी राज्य की शासन सिर्फ मगध की ही नहीं किसी भी राज्य कोई भी शासन हो तो वहां पर हस्तक्षेप जरूरी होता है प्रस्तुत काव्य में कवि ने हस्तक्षेप कविता के माध्यम से आज के हमारे वर्तमान समय समाज की ओर घोर कटाक्ष किया है आज के समाज में लोग विरोध करना भूल चुके हैं मतलब जो हो रहा है ठीक है हमें उससे क्या मतलब हम अपना ही है करते हैं तो वो विरोध नहीं करते वह अन्याय को चुपचाप सहते हैं गलत होते देखते हैं मगर कुछ नहीं कहते बस चुप होकर अन्याय को सह लेते हैं यह गलत है बस इसी और इस कविता में कवि ने कुछ बातें कही हैं जो बिल्कुल सत्य हैं। मतलब जो चल रहा है उसको चलने देते हैं उससे मतलब नहीं इससे हमारा आप क्या बोलते हैं अगर कुछ चल रहा है इससे हमारा क्या मतलब हमसे कुछ थोड़ी ना फर्क पड़ेगा हमारा तो बस यहीं तक है हम इतना ही देख लेते तो अगर शासन व्यवस्था में कोई एक चीज भी गलत होती है तो वो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली हमसे हमारे तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशारा अवश्य करती है तो वही चीज यहाँ पर भी थी हमें हमेशा अन्याय का विरोध करना चाहिए ना कि चुप रहकर तमाशा देखना चाहिए हमारी चुप्पी शायद बहुत बर्बादी ला सकती है मगर यदि हम विरोध करेंगे तो शायद हमारे विरोध की वजह से बहुत लोगों का बहुत कुछ बिगड़ते बिगड़ते बन सकता है यानी कि हमारे हो सकता है हम पे बाद में इफेक्ट आए लेकिन अगर हम विरोध कर दें तो शायद ऐसा होगा कि बनते बनते बहुत सी चीजें बहुत से लोगों की जो बिगड़ जाती है वो यहां पर सही हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्था को निरंकुश प्रवृत्ति से बचाए रखने के लिए उसमें हस्तक्षेप जरूरी है कविता को दृष्टि में रखते हुए अपना मत प्रस्तुत कीजिए निरंकुश यानी कि किसी का अंकुश नहीं रहना जो जो शासन व्यवस्था कर रही है वह अपने हिसाब से करती रहे चाहे भले गलत हो निरंकुश मतलब ऐसा जिसको हिटलर शाही हम लोग बोलते हैं तो उस तरीके की अगर शासन हो जाएगा तो उसके लिए हस्तक्षेप जरूरी होता है इसमें आपके मत प्रस्तुत किए देखिए हमने पूरी कविता समझाई आपको कि हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है इससे पहले वाले हमने प्रश्न में भी आपको ये चीज़ बताई कि अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो क्या होता है या उन्होंने कविता में ऐसा क्यों बोला तो अब यहाँ पर आपको अपने मत प्रस्तुत करने तो जहाँ कहीं पर ऐसे प्रश्न होते हैं कि जहाँ पर आपको अपने मत प्रस्तुत करने हैं तो उसमें शब्दों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक करिएगा क्योंकि आपके शब्द आपकी छवि को झलकाते हैं कि आप कैसा सोचते हैं क्या करते हैं तो शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना है मगर आप कैसे उत्तर को बनाएंगे ये हम आइडिया आपको जरूर दे सकते हैं तो यहाँ हम एक आंसर लेकर आए उसको ध्यान से देखिए उसी तरीके से आप अपने मत को जरूर प्रस्तुत करिएगा क्या दिया है इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको चाहिए तो आप खुद को वर्तमान समाज से अच्छी तरह जोड़ लीजिए यानी कि जो अभी समाज चल रहा है उससे हमें अच्छी तरह जोड़ना है आज हमारे वर्तमान समय में कुछ गलत नहीं हो रहा है आप बताइए ये गलत क्यों हो रहा है क्योंकि हम मानवों ने विरोध करना बंद कर दिया है हम सिर्फ बैठकर तमाशा देखते हैं अगर कोई विरोध करता है तो हम उसके पीछे उसी की बातें बनाते हैं कहने का मतलब है अगर कुछ गलत भी हो रहा है तो पीछे से क्या करता है अगर कोई एक व्यक्ति उस चीज गलत का विरोध कर रहा है तो बाकी लोग उस गलत करने वाले व्यक्ति के पीछे ही पड़ जाते हैं ना कि वो विरोध क्यों कर रहा है किस लिए कर रहा है उसकी बातों को समझने की तो बात तो दूर में हो जाती है हमारे देश का कानून हमारी वजह से है हमारे देश का कानून हमारा है अगर देश का कानून हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाता तो उसे तो हमें उसे बुरा करने का कोई अधिकार नहीं है अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें बिल्कुल डटकर उसका विरोध करना चाहिए इससे बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ बिगड़ सकता है अगर हम विरोध करना नहीं सीखेंगे तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे इसलिए ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी यानी कि जो चीज़ें हो रही हैं अगर गलत है तो आप उसका विरोध करिए उसी विरोध को हम बोलते हैं हस्तक्षेप करना इसको ऐसे समझिए कि घर है एक परिवार है अगर उसमें कोई एक बच्चा गलत कर रहा है तो घर के बड़े या घर के छोटे भी छोटे बाद में लेकिन बड़े उसको समझाने की कोशिश करेंगे वो जो एक्टिविटीज़ कर रहा है उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो वही तरीके होते हैं सरकार हमारा देश है अब उसमें अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे हमारा पूरा बराबर का हक बनता है हम किसी पद पे हम इस देश के निवासी हैं हमारा देश है ये हम इस देश का बुरा कैसे होने देंगे तो इसलिए ये हस्तक्षेप ज़रूरी होता है नेक्स्ट है मगध निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप से क्यों कतराते हैं तो वहां पर क्यों कतराते थे मगध राज्य में क्यों क्योंकि वो शासन वहां का अत्याचारी था कोई कुछ विरोध करे विद्रोह करता था तो उसी को ही दबा देने की कोशिश करता था उसके ऊपर अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे इसलिए वहां कोई जल्दी विद्रोह करने को तैयार नहीं होता था मगध के निवासी किसी भी प्रकार से शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनके राजा उनसे ज्यादा ताकतवर थे वे तो बस छोटे मोटे लोग हैं इसलिए विरोध करने से डरते हैं उन्हें डर लगता है कि अगर वह अपने राजा का विरोध करेंगे तो शायद उनके राजा उन पर और भी ज्यादा कहर बरसाएंगे वे उन पर और भी ज्यादा जुल्म करेंगे अत्याचार करेंगे बस इसी भय से इसी डर से मगध के निवासी किसी भी शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज नहीं उठाते बस हो रहे अत्याचार को चुपचाप सह लेते हैं कहीं उसकी दशा और भी ज्यादा खराब ना हो जाए इस डर से वे किसी भी चीज का विरोध नहीं कर पाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध अब कहने को मगध है रहने को नहीं के आधार पर मगध की स्थिति का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए मगध कहने को मगध है रहने को मगध नहीं मगध मतलब यहां पर सब सब कुछ संपन्न है सारी सुविधाएं लेकिन सिर्फ कहने को ऐसी चीजें हैं क्यों क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का व्यक्ति अब बस नहीं सकता यहां पर इतना ज्यादा अत्याचार हो चुका है यानी कि अब यहां पर कोई व्यक्ति रह ही नहीं सकता इसको आपको यही चीजें आपको अपने वक्त अपने शब्दों में लिखना है क्या दिया है एक वक्त था जब मगध को बहुत ताकतवर राज्य माना जाता था मगध कहाँ किसका चंद्रगुप्त मौर्य मगर आज एक समय है जब मगध के लोग डर से रहने लगे हैं मगध के लोग वहां की शासन व्यवस्था से से इतने डर डर चुके हैं कि डर के मारे आवाज उठाना मुंह कुछ कहना भूल चुके हैं वे सिर्फ चुपचाप अन्याय को सहते हैं उससे जूझते हैं वे मुंह से आवाज तक निकालना जरूरी नहीं समझते एक वक्त था जब मगध में इतनी अच्छी शासन व्यवस्था थी कि कौन अमीर कौन गरीब इस बात को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था मतलब वहां सारी धन धन संपदा सभी को इक्वली डिवाइडेड थी और सभी को सारी सुविधाएं इक्वली मिलती थी मतलब आप निम्न जाति के उच्च जाति के अमीर हो गरीब हो कोई ऐसा किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था बस इंसानियत के खातिर सब एक दूसरे के साथ मुसीबत के वक्त खड़े हो जाते थे कौन राजा होता है कौन प्रजा होता था यह अंतर भी समझ में नहीं आता था मगर आज मगध की स्थिति बहुत ही अलग है आज राजा प्रजा पर अन्याय करता है अत्याचार करता है इसलिए मगध के लोग अब मगध में रहने से भी डरते हैं उन्हें अपने यहां रहने से डर लगता है यानी कि अब अगर हम विद्रोह करेंगे तो हम पे अत्याचार बढ़ेंगे इस बात के डर से अब लोग यहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए मुर्दा मुर्दा यहाँ पे लिटरली मरा हुआ व्यक्ति नहीं है जो मतलब मर गया सांसें बंद हो गई यहाँ पे उससे तात्पर्य नहीं है मुर्दे से इस कविता में तात्पर्य था वो वर्ग वो व्यक्ति जो अत्याचारों के कारण एक तो पहले ही निम्न वर्ग से थे और अत्याचारों के कारण पूरी तरीके से दब कुच चुके हैं तो यहाँ पर मुर्दे से तात्पर्य उन व्यक्तियों से था तो कविता में जैसे दिया गया था कि अगर कोई विरोध ना करे तो ना करे मगर मुर्दा प्रश्न करता है तो यहां मुर्दा प्रश्न करने का मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा कि वो मुर्दा यानी कि वो दबा कुचला वर्ग भी जो है विद्रोह कर देगा विद्रोह नहीं करेगा सिर्फ क्रांति फैला देगा पूरे राज्य में ऐसी एक समय भी आ सकता है तो इसको कैसे लिखेंगे हम अक्सर ये बातें सुनते हैं कि वह मरकर भी जीवित है अर्थात जब लोग बोलना बंद कर देते हैं तो किसी भी चीज का विरोध करना बंद कर देते हैं तो उनकी तुलना एक मुर्दे के समान की जाती है मतलब वो वर्ग जो कुछ बोल नहीं रहा कुछ कोई रिएक्शन नहीं है कुछ नहीं तो वो क्या हो गया एक मुर्दे के समान हो गया सांसें चल रही हैं मगर रिएक्शन नहीं है तो वो मुर्दे के समान है मुर्दा एक ऐसा व्यक्ति है जो मरने के बाद बोल सकता है बिना किसी डर से अपनी बातों को रख सकता है मगर मरे हुए लोगों में और जिंदा लोगों में एक ही अंतर है कि जिंदे आदमी को विरोध करने से डर लगता है और मरे हुए लोगों को डर नहीं लगता यानी कि जिंदा व्यक्ति अगर विरोध करेगा तो क्या होगा वो डरता है कि हम पर अत्याचार होगा मगर मुर्दा व्यक्ति जो पहले ही अत्याचार से त्रस्त है पूरी तरह सब कुछ लुट चुका है वो व्यक्ति विरोध करेगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा अत्याचार तो वो पहले ही सह रहा है सब कुछ उसके पास है ही नहीं तो उसको खोने का अपने पास में कोई डर ही नहीं है तो इसलिए वो विरोध से डरता नहीं है वह बोलना जानता है कि कैसे कहा क्या बोलना है मगर मुर्दे की बात को सुनने वाला कोई नहीं है वही जिंदा लोगों की बातों को लोग सुन सकते हैं मगर वे डर के कारण बोल नहीं पाते अब उन्होंने बोला कि मुर्दा व्यक्ति बोलता तो है मगर उसको सुनता नहीं तो यहां पर अगर वो बोले तो कोई सुनेगा नहीं लेकिन क्रांति ला दे तो सब कुछ उथल-पुथल हो सकता है मगर जिंदा लोग बोल बोलते ही नहीं है डर के मारे तो ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट में है कि आपको यहाँ पर मुर्दा और जिंदे से तात्पर्य लिटरली मरा हुआ और जिंदे व्यक्ति से नहीं रखना है यहाँ पर जो बोलता नहीं है संवेदना जिसके अंदर की सारी संवेदनाएं मिट चुकी हैं कोई हस्तक्षेप नहीं करता कुछ विद्रोह नहीं करता ऐसा व्यक्ति मुर्दे की कैटेगरी में रखा गया है और जिंदा व्यक्ति वो है यहां पर जो सब कुछ जान रहा है सह रहा है मगर बोल नहीं रहा तो ये चीजें फर्क है यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए भाव स्पष्ट कीजिए मतलब ताकतवर सत्ता का ये है कि अगर मगध को रखना है तो वहां शांति बनाए यानी कि वहां के विरोध को हर हाल में कुचलते रहना है और दूसरा तात्पर्य है कि मगध की शासन व्यवस्था अगर सत्ता पलटती है तो वहां पे बाहरी देशों के आक्रमण का भी डर है तो क्या देखिए मगध के लोग विरोध इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां के लोगों के ऊपर दबाव है अगर वे विरोध करेंगे तो मगध की शांति में बाधा एवं विघ्न आ सकता है इसलिए मगध के लोगों को डराया जाता है कि अगर वे अन्याय का विरोध करेंगे उन लोगों की शांति भंग हो सकती है अन्य राज्यों में भी मगध की बदनामी हो सकती है इसलिए अगर मगध को बनाए रखना है तो सब कुछ सहते हुए शांतिपूर्वक रहना है भले ही लोगों का साथ गलत हो अत्याचार हो मगर उन्हें चुपचाप सब सहन करना होगा उन्हें मगध की शांति को बनाए रखना होगा ताकि मगध का नाम दूर दूर तक ऊंचा हो तो जैसा भी हो मगर आपको चुप रहना है ताकि मगध की शासन व्यवस्था बनी रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध की कविता है स्पष्ट कीजिए तो जैसे ये पूरी कविता है हमको वो चीज यहाँ पर स्पष्ट तौर पे रखनी है कि शासन व्यवस्था में क्रूरता है अत्याचार है और हस्तक्षेप करना जरूरी है इसी को प्रेरित करते हुए ये कविता है तो वो उसको यहाँ पर हमें अपने शब्दों में बतानी है एक तरीके से हमें पूरी कविता ही अपने शब्दों में बतानी है तो क्या दिया है यहां पर हस्तक्षेप कविता के माध्यम से कवि श्रीकांत वर्मा जी मगध की शासन व्यवस्था की ओर व्यंग करते हैं कवि के व्यंग करने के पीछे कारण यह है कि मगध के निवासी गलत चीजों का विरोध तो करना चाहते हैं मगर वे दबाव के कारण आवाज नहीं निकालते वे चुपचाप अन्याय को सहते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं इसलिए कवि ने मगध की शासन व्यवस्था को दिखाया है कवि के अनुसार शासन व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो जनता के पक्ष में हो ना कि जनता के विरोध में हो किसी भी देश या किसी भी राज्य का शासन उसकी प्रजा के अनुसार होना चाहिए ना कि राजा के अनुसार एक प्रजा क्या चाहती है शासन व्यवस्था को उसी अनुसार चलना चाहिए मगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था बिल्कुल उल्टी है यहां पर शासन किया जाता है उसके अनुसार प्रजा को चलना पड़ता है कवि इस बात के लिए इस कविता का शीर्षक हस्तक्षेप रखता है यानी कि जो चल रहा है अगर उसमें कोई चीज गलत है तो हमें हस्तक्षेप करना है इसीलिए कवि ने इस कविता का नाम हस्तक्षेप रखा है हमारा लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित लाक्षणिक प्रयोगों को स्पष्ट कीजिए लाक्षणिक प्रयोग हमारे तीन शब्द थे छीकता नहीं चीखता नहीं टोकता नहीं इनके प्रतीकों को स्पष्ट करना है कि इनके माध्यम से कवि ने क्या चीजें हमारे सामने रखी हैं। तो पहला है कोई ठीकता तक नहीं इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने मगध की शासन व्यवस्था पर किया है है और कहा है कि यहां की जनता मगध की शासन व्यवस्था से परेशान जरूर है मगर वह फिर भी मजबूरी में इस शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाती है और चुपचाप अन्याय सोती है तो किसी भी तरीके से विरोध ना करना कुछ नहीं करना चुपचाप सहते रहना जैसे यहां पर है छीकना क्या है हमारे नाक में जो है जब कोई चीज आती है अड़ती है आती है तभी तो हमें छीक आती है मगर अगर वो चीज अड़े और हम छीक को रोक ले तो वही चीज है हमें कोई चीज तकलीफ दे रही है मगर हम उसे बाहर नहीं निकाल रहे तो इसीलिए छीकता नहीं का तात्पर्य है कि नाक में हमारे घुसी है तकलीफ कर रही है मगर हम नाक दबा लें और उसको छीके तक नहीं तो यहां तात्पर्य ये यह होता है फिर क्या है दूसरा कोई चीखता तक नहीं इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि यदि मगध के शासन के विरुद्ध कोई व्यक्ति कुछ बोलना चाहता है तो उस पर दबाव डाल दिया जाता है उस पर इतना जोर डाला जाता है कि व्यक्ति चाहकर भी कुछ नहीं बोलता फिर वह निशब्द हो जाता है अब चीखता नहीं कहने का तात्पर्य हम बोल रहे हैं मान लीजिए हमको दर्द हो रहा है यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है तो हम उस चीज को बोल रहे हैं हमको दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है चीजें हम बता रहे हैं दर्द हो रहा है दर्द हो रहा है अब उसी दर्द पे अगर कोई पांव रखे और हमारे मुंह को भी बंद कर दे मतलब चीख नहीं निकले कि शोर नहीं करना यानी तकलीफ है और उस तकलीफ पे आप और तकलीफ दे रहे हैं लेकिन साथ में हम चीख नहीं सकते हम अपने अपना मुंह बंद रखना है कि शोर नहीं करना तो कंडीशन यही है कि अत्याचार पे अत्याचार हो रहे हैं लेकिन हमें अपने मुंह को बंद रखना है हम कुछ बोल नहीं सकते फिर है कोई टोकता तक नहीं इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि मगध के लोग अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते यह मुझे समझ में नहीं आ रहा यह लोग क्यों और किस कारण अन्याय को सह रहे हैं यह समझ में नहीं आ रहा आखिर ये कब तक चुप रहेंगे कब तक ऐसे अन्याय सहते रहेंगे कोई टोकता नहीं अब आप हम ये देखें कि हम घर में खाना खा रहे प्लेट में लेके हमने खाना खाए रहे हैं लेकिन हमारा हम सामने टीवी चल रहा है हम टीवी देख रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है हम खाना खा तो हैं लेकिन उससे ज्यादा जितना हमारे मुंह में जा रहा है उससे ज्यादा हमारी थाली के बाहर जा रहा है तो अब खाना खाने वाला व्यक्ति कौन है राजा खाना क्या है शासन व्यवस्था जो सुचारू रूप से नहीं हो रही है इधर उधर बिखर रही है और दूसरा कोई व्यक्ति हमारे परिवार का क्या है इन सब चीजों क्योंकि अब मम्मी वो आप मम्मी को समझ लीजिए आम जनता कि वो गंदगी जो फैल रही है वो साफ करनी है मम्मी को खाने की वजह से जो गंदगी फैल रही है वो साफ किसको करनी है मम्मी को अब अगर मम्मी नहीं टोकेंगी आपका तो क्या होगा वो गंदगी बढ़ती जाएगी आप हमेशा उस गंदगी को करेंगे ध्यान नहीं देंगे खाना खाने में तो वही चीज है कि यहाँ की जो आम जनता है वो राजा के कुशासन को देख रही है मगर कुछ बोल नहीं रही क्यों क्योंकि अगर वो पहले से पहले ही दिन बोलती तो ये कुशासन होता ही नहीं यानी कि अगर मम्मी पहले ही दिन अगर आपको टोकेंगी तभी तो आप सुधरेंगे तो इसलिए वो रखाना खाने वाला लगती यानी कि जो आप खाना खा रहे हो आप राजा हो जो खाना है वो क्या है शासन व्यवस्था है या तो उसको आप क्योंकि आपका ध्यान कहां है राजा का ध्यान कहां है इस समय भोग विलास में है तो राजा क्या देख रहा है टीवी देख रहा है तो टीवी देखने से उसका ध्यान खाने पे नहीं है और खाना सारा इधर उधर गिर रहा है तो इसके कारण क्या होता है कि जो वो खाना जो गिर रहा है वो गंदगी फैला रहा है आम जनता यानी मम्मी, मम्मी को वो चीजें सहनी पड़ेंगी आप तो खाके उठ जाओगे यानी कि कुशासन किसको सहना पड़ेगा जनता को सहना पड़ेगा और फिर वो गंदगी मम्मी साफ करेगी मम्मी के ऊपर काम बढ़ेगा तो मम्मी पहले से आपको सचेत कर देती है कि नहीं तुम्हें ठीक करना यानी मम्मी पहले टोक देती मगर यहां पे क्या हो रहा है जनता टोक नहीं रही है तो वही कोई टोकता तक नहीं कि मतलब राजा गलत कर रहा है इस पर एक भी जनता आवाज नहीं उठाती तो ये एक उन्होंने हमारी रियल लाइफ में हो रही कुछ चीजों के सामने को रख के उस शासन को बताया है इस कविता के माध्यम से छींकना चीखना और टोकना ये जो है ना हमारी लाइफ में जो रूटीन में होता है उसको लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से कवि श्रीकांत वर्मा जी ने इस कविता को सामने रखा है कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की, की शांति भंग ना हो जाए मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए मगध है तो शांति है तो यहाँ मगध का माध्यम से इन्होंने किसी भी सत्ता यहाँ पर मगध का नाम लिया है लेकिन किसी भी सत्ता के बारे में उन्होंने बात की है क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई छीकता तक नहीं मतलब एक ये नेचुरल क्रिया है कि कोई कुछ भी नहीं करता ताकि इस डर से कि मगध में कहीं कुछ अशांति ना हो जाए यहाँ पर जो हर काम स्मूथली चल रहा है कोई आवाज़ तक नहीं उठाता है यहाँ पर कि किसी तरीके से यहाँ की शांति भंग ना हो जाए क्योंकि अगर मगध को बनाए रखना अर्थात इस सत्ता को अगर बनाए रखना है तो मगध में शांति को बनाए रखना होगा रहनी है अगर क्योंकि अगर मगध है यानी कि सत्ता है तभी शांति है अगर सत्ता में कोई इंटरफेरेंस करेगा तो अशांति होगी और अगर इस अशांति के कारण मगध का राज्य ढह गया तो चारों तरफ समाज में अशांति फैल जाएगी यानी कि किसी भी तरीके से समाज में अशांति नहीं होनी चाहिए अर्थात ये शासकों की तरफ से शासक ये चाहते हैं कि उनकी सत्ता में किसी भी तरह का कोई कुछ भी ना कहे उंगली तक ना उठाए कोई चीखता तक नहीं अभी क्या था कोई चीखता नहीं मतलब एक तो नेचुरल थी मतलब उंगली तक नहीं उठाता अब क्या है कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए मगध में ना रही तो कहां रहेगी क्या कहेंगे ये लोग तो यहां पर कह रहे हैं कोई चीखता तक नहीं मतलब अभी कोई कुछ तक नहीं कर रहा था और अब चीखता मतलब कोई कुछ बोलता ही नहीं है कि जो यहाँ पर जिस तरीके से शासन तंत्र चल रहा है उसके शासन तंत्र में किसी भी तरह का कोई दखल कोई देता ही नहीं कि आप ये काम सही नहीं कर रहे हो कि आप वो काम सही नहीं कर रहे हो कोई भी प्रजा का व्यक्ति उस शासन तंत्र में किसी तरह की आवाज नहीं उठाता है क्योंकि अगर वो दखल करेगा तो यहां की व्यवस्था डगमगाएगी और मगध में व्यवस्था रहनी चाहिए क्यों क्योंकि अगर मगध का राज्य चाहिए तो मगध में व्यवस्था रहनी चाहिए यानी कि हमको अगर सत्ता चाहिए तो वहाँ पर व्यवस्था का होना चाहिए अगर व्यवस्था मगध में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी और अगर नहीं रहेगी तो लोग क्या कहेंगे अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो यहाँ के सत्ताधारी शासक होते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी सत्ता में किसी भी तरह की अव्यवस्था पैदा ना हो अब अव्यवस्था का तात्पर्य है कि मतलब जनता की तरफ से कोई आवाज ना उठाए आवाज उठाएगा तो व्यवस्था में दखल करेगा दखल करेगा तो एक तरीके से व्यवस्था डगमगाएगी लोग अप्रसन्न होंगे जो व्यवस्था को चला रहे हैं और अगर व्यवस्था डगमगाएगी तो मगध में ही मगध में अशांति फैलेगी और अगर ये व्यवस्था मगध में नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी भाई व्यवस्था हमें सत्ता में ही तो रखनी है तो अगर वहां नहीं रहेगी तो यहाँ नहीं तो अगर नहीं रहेगी तो लोग क्या कहेंगे भाई लोगों लोग बुराई करने लगेंगे उस उस राज्य में सत्ता ही नहीं है लोगों का क्या है लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है रहने को नहीं कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना हो जाए लोग क्या है लोगों लोग तो कहेंगे अर्थात कि मतलब लोग कहेंगे कि मगध में व्यवस्था नहीं रही लोग तो ये भी कहते हैं कि मगध अब सिर्फ कहने को मगध है रहने को नहीं अर्थात यहाँ इतना कुशासन हो चुका है कि लोग अब यहाँ रहना ही नहीं चाहते अब यहाँ से वो क्या चाहते हैं चले जाना चाहते हैं क्योंकि मगध पहले जो मगध हुआ करता था व्यवस्था होती थी अब यहाँ व्यवस्था नहीं मतलब हर तरीके से कुशासन ही फैला हुआ है इसलिए लोग यहाँ से चले जाना चाहते हैं कोई टोकता नहीं अर्थात कोई आवाज ही नहीं उठाता है अगर भाई कुशासन है तो आप आवाज उठाओ ना तभी तो उसमें सुधार होगा लेकिन यहां कोई आवाज नहीं उठाता इस डर से कि मगध में कहीं रोक टोकने का रिवाज ना हो जाए मतलब एक व्यक्ति इसलिए आवाज नहीं उठाता कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग टोकने के लिए खड़े हो जाएं और मगध में आए दिन सत्ता पर उंगलियां उठने लगें इसलिए कोई कुछ बोलता ही नहीं है सब शांत हैं एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप मगर अगर एक बार कहीं से वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराव तुम बुझ नहीं सकते हो हस्तक्षेप में यानी कि मगध के जो निवासी है जो वहां के रहने वाले वो इस डर से किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करते सत्ता में कई यहाँ रिवाज हर कोई टोकने न लगे लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि तुम लोग इससे बच नहीं सकते हो तुम लोग कहीं ना कहीं तो ये हस्तक्षेप करोगे ही जाकर जब कोई नहीं करता तब नगर के बीज से गुजरता हुआ मुर्दा ये प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है मनुष्य क्यों मरता है अब इन्होंने बोला ना कि मगधवासियों तुम लोग हस्तक्षेप से बच नहीं सकते सभी चुप है तो अब तुम लोग नहीं बच सकते हो तो कैसे करोगे तो उन्होंने बोला कि मरने के बाद तो तुम हस्तक्षेप करोगे तब तो तुम ये सोचोगे आखिर मैं क्यों मरा हूं मैं इस अव्यवस्था के कारण मरा हूं तब तुम पूछोगे ना तब तुम इंटरफेरेंस करोगे तो जहाँ सब चुप हैं, वहाँ नज़र नगर के बीच से जब एक मुर्दा गुजरता है तब वो पूछता है कि आखिर मनुष्य क्यों मरता है मनुष्य इसलिए मरता है ताकि जीवन चक्र में हस्तक्षेप कर सके अर्थात हम जीवन में हमारे लिए हस्तक्षेप करना जरूरी है यानी कि जब कहीं कोई गलत चीज़ बुरी चीज़ होती है तब हमें आवाज़ उठानी चाहिए इस पूरी कविता में हमें कभी नहीं यही समझाने का कि हम बहुत से हमारे सामने चीजें आती हैं गलत हैं मगर हम चुप रहते हैं और चुपचाप अपने रास्ते को चल लेते हैं हम कुछ नहीं कहते लेकिन जब वो चीज हमारे साथ बीतती है तब हम आह उठाते हैं तो, तो उस मुर्दे के माध्यम से उन्होंने यही बताया है कि जो हम जीते जाते के मुर्दा बने रहते हैं ना जब वो विपत्ति हम पर आती है ना तब हम चिल्लाते हैं तो इस पूरी कविता का सार यही है कि जो हम परिस्थितियों से आंख मूंदते हैं हमें उन आंखों को नहीं मूंदना चाहिए जहां कुछ गलत हो रहा हो हमें आवाज उठानी चाहिए अब इसके सार को फटाफट देखते हैं क्या है हस्तक्षेप कविता में सत्ता यानी मगध की क्रूरता के कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाया गया है व्यवस्था में जनतांत्रिकता बनाए रखने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप जरूरी होता है मतलब जो सत्ता कावज है वो हमेशा जो है जनता के लिए कार्यरत है इसलिए जनता का उसमें हस्तक्षेप करना जरूरी होता है वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है और अगर जनता नहीं करेगी तो क्या हो जाएगी व्यवस्था निरंकुश हो जाएगी यानी उस पर किसी का अंकुश नहीं रहेगा और वो अपने मनमाने ढंग से शासन को चलाएगी प्रस्तुत कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहां किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है मतलब ऐसा तंत्र जहां पर आप हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते हैं कोई जोर से बोलकर या चीख कर अपनी बात कहने का साहस नहीं कर पाता यही कारण है कुछ लोग ऐसे भी कहने लगे हैं कि मगध केवल कहने के लिए मगध है रहने के लिए नहीं मतलब यहाँ पर जब हम अपनी आवाज ही नहीं उठा सकते तो हमारे यहाँ रहने का फायदा क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए कवि प्रश्न करता है जहां मुर्धा भी ये कहकर हस्तक्षेप करता है कि मनुष्य क्यों मरता है ऐसे में जीता जागता मनुष्य क्यों चुप है इसलिए यदि लोकतंत्र को बनाए रखना है तो हस्तक्षेप करना जरूरी है अगर मुर्दा प्रश्न कर सकता है कि मनुष्य क्यों मरता है तो हम तो जीवित हैं हम क्यों नहीं प्रश्न करते हैं यानी कि जो भी सत्ता हो उसमें अगर हम लोकतांत्रिक बनाए रखना चाहते हैं उसको तो हमेशा हस्तक्षेप करते रहना चाहिए नहीं तो शासन क्या हो जाता है निरंकुश हो जाता है अब आते हैं प्रश्न पर प्रश्न संख्या एक है मनुष्यों के होते हुए भी मुर्दा क्यों हस्तक्षेप करता है मतलब मनुष्य चुप है इसलिए मुर्दा हस्तक्षेप कर रहा है ना जाहिर सी बात है तो क्या है जीवित मनुष्यों के होते हुए भी मुर्दा इसलिए हस्तक्षेप करता है क्योंकि हस्तक्षेप वही व्यक्ति करता है जिसका अपना कोई निजी स्वार्थ हो यानी कि अगर मान लीजिए हम पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो तकलीफ हमको होगी ना ना कि दूसरे को होगी तो वही चीज मतलब जिसके ऊपर बीतती है हस्तक्षेप करना वही शुरू करता है मुर्दा मनुष्य की अंतिम यात्रा का परिचायक है व्यवस्था कितनी ही सख्त तथा निरंकुश क्यों ना हो मनुष्य को मरने से नहीं रोक सकती तब ऐसे व्यक्ति जिसका कोई स्वार्थ ही नहीं है जिस पर आगे पीछे खोने को कुछ नहीं है खड़ा हो जाता है मुर्दा ही को चुनौती देता है मतलब अब मान लीजिए हम हम पे विपत्ति आई है तो हम खड़े होकर बोल रहे हैं क्यों क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो हमारा कोई स्वार्थ नहीं जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से आवाज उठाता है यानी कि निस्वार्थ हमारा कब होगा जब हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं होगा अब मुर्दा तो मर चुका है उसके पास खोने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आवाज उठा रहा है प्रश्न संख्या दो है मगध में व्यक्ति क्यों नहीं छींकता स्पष्ट कीजिए मगध में व्यक्ति सिर्फ इसलिए नहीं छींकता कि उसकी उसके छींकने यानी कि उसकी एक आवाज से भी सत्ता की शांति में किसी तरह का खलल ना पड़े यानी कि कोई भी सत्ता में बाधा ना आए मगध में ऐसी व्यवस्था कायम है जहां छीकने अर्थात निरंकशता का विरोध करने से शांति भंग होती है तो छीकने का तात्पर्य नहीं कि जो हम लिटरली छीकते यहाँ पर मतलब है कि एक आवाज भी नहीं उठाता क्यों क्योंकि वहां पर निरंकुश शासन है अगर आवाज उठाएगा तो सत्ता में खलल पड़ेगा तो वहां पर कोई व्यक्ति इसीलिए कुछ नहीं बोलता है अतः मगध साम्राज्य की शासन व्यवस्था का विरोध करना किसी प्रकार भी संभव नहीं है क्योंकि वहां निर्ण हम चाहे जितना भी कुछ कर ले, किसी को फर्क नहीं पड़ना है इसलिए कोई व्यक्ति नहीं रहा किसी भी प्रकार की तंत्र विरोधी गतिविधि को यह कहकर दबा दिया जाता है कि यह कार्य मगध की शांति व्यवस्था भंग करने के लिए है मतलब वहां पर अगर कोई चीज आवाज उठती भी है तो ये बोल दिया जाता है कि ये इस मगध की मगध के लिए ठीक नहीं है इसलिए उस आवाज को दबा दिया जाता है और शासन का दायित्व है कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें इसीलिए उसे यानी मगध के व्यक्ति ये बता दिया जाता है कि छींकने अथवा सत्ता के विरुद्ध कुछ कहने से शांति भंग होती है यानी कि वहां पर यह चीज बता दी जाती है कि अगर तुम कुछ कहोगे तो जो मगध में शांति व्याप्त है वो भंग हो जाएगी इसलिए उसको चुपचाप करके बैठा दिया जाता है क्योंकि मगध की शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर शांति का होना जरूरी है इसलिए वहां पर मनुष्य के छीकने अर्थात कुछ कहने पर प्रतिबंध है प्रश्न संख्या तीन है मगध के लोगों को किस तरह का डर समाया हुआ है क्या चीज का डर समाया हुआ है उन्हें डर समाया हुआ है कि अगर हम एक बार हस्तक्षेप करेंगे तो बार बार हस्तक्षेप करने की परंपरा बन जाएगी इस चीज का उनको डर समाया हुआ है मगध के लोगों में यह डर समाया हुआ है कि उनकी आवाज उठाते ही शांति भंग हो जाएगी शांति भंग होने से मगध नहीं रहेगा यदि एक व्यक्ति ने एक बार भी हस्तक्षेप किया तो हस्तक्षेप करने की परंपरा बन जाएगी जो मगध राज्य के हित में नहीं है अतः वहां लोगों के लिए विरोध करने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है व्यक्ति को अत्याचार सहना पड़ता है तो उनको डर किस बात का है कि वहां की शांति ना भंग हो जाए अगर वो एक बार हस्तक्षेप करेंगे तो बार बार हो जाएगा अर्थात वहां सभी लोगों को चुप रहना है और जो भी अत्याचार हो रहा है उसे शांति से सहना है प्रश्न संख्या चार है चीखने के क्या परिणाम होंगे स्पष्ट कीजिए अब यहां पर क्या है पहले तो चीखता नहीं और दूसरी बात क्या था चीखता नहीं तो चीखने से क्या होगा कि वहां पर व्यवस्था जो है वो दुव्यवस्था में बदल जाएगी इस चीज का डर वहां पर समाया हुआ है मगध में व्यक्ति दुख सहने के लिए बाध्य है क्योंकि उनके मन में यह भय भै बैठा दिया गया है कि पीड़ा में चीखने से मगध की शांति व्यवस्था में हस्तक्षेप समझा जाएगा मतलब तुम्हें अगर ये सत्ता अत्याचार दे भी रही है तो तुम्हें मुंह बंद रखना है तुम्हें दर्द है तो दर्द को सहना है तुम्हें चीखना नहीं है शासन के लिए जनता के कष्टों को दूर करने के बजाय निरंकुश व्यवस्था अधिक जरूरी है मतलब हम ये नहीं चाहते कि हमारी प्रजा का हम ध्यान दें हम ये चाहते हैं कि हमारी जो निरंकुश व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे ये मगध के शासकों के लिए ज्यादा जरूरी है अतः कुछ भी कष्ट जनता सहे किंतु उसे व्यवस्था का या व्यवस्थापकों के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं है आम आदमी भी अपने अधिकारों के प्रति सजग हो उठेगा तो उनकी व्यवस्था तो अत्याचार को सहना है क्योंकि अगर आपने आवाज उठाई तो वहां की व्यवस्था और वहां पर शासन करने वालों के विरोध आप कार्य कर करेंगे यानी कि इस तरीके से व्यवस्था भंग होगी और भंग होगी तो मगध के खत्म हो जाने का भय है इसलिए आपको चीखना भी नहीं है अर्थात आपको कोई आपको तकलीफ हो रही है तो आपको तो भी मुंह बंद करके ही सब कुछ सहते हुए चलना है तो ये हमारी कविता थी हस्तक्षेप श्रीकांत वर्मा जी द्वारा लिखित तो हम सभी ने यहाँ पर इस कविता के माध्यम से ये जाना कि अगर कहीं आप कुछ गलत देख रहे हो तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए नहीं तो सत्ता निरंकुश बन जाती है इस कविता को हमने समझ दिया और जीवन के एक सार को भी समझा कविता के भी सार को समझा प्रश्न उत्तर भी देखे तो फटाफट हो चुका है आपका अब जल्दी से आप अपना एग्जाम दे सकते हैं बिना किसी डाउट के तो ये जो हमारा चल रहा है आपका हम पढ़ रहे थे अपना वन शॉट रिवीजन तो वन शॉट रिवीजन हम देखें कैसे कहाँ पर देखें क्या करें या अगर इस चैप्टर का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो हम कहाँ देखें तो उसके लिए सिंपल है आपको हमारे चैनल माइगनट ब्रेंस पर आना है जैसे ही आप यहाँ पर आओगे तो आपके सामने जो पेज ओपन होगा उसमें आपको दिखेगा सी बी एस ई इंग्लिश मीडियम तो आप सी बी एस ई इंग्लिश मीडियम जैसे ही ओपन करोगे उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी होगी अब आपकी क्लास क्या है इलेवेंथ तो आप इलेवेंथ को क्लिक करेंगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इलेवेंथ में पढ़ाए जाने वाले सारे ही आपके सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आपको वहाँ पर वॉच नाउ लिखा हुआ है अब मान लीजिए आपको हिंदी अगर देखना है तो वहाँ पर आप नाउ लिखा है उसको आप क्लिक करोगे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए हिंदी की पूरी प्ले आ जाएगी तो जो भी बुक पढ़नी है आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको क्लिक करना है क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से वीडियो देखिए अपनी सभी डाउट्स को क्लियर कीजिए लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जब भी जो भी जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे एन सी देखेंगे इसके अलावा हमारा सारा ही मटीरियल एम भी है वन शॉट भी है टेस्ट पेपर्स भी हैं बहुत सारा कुछ है तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से सारे वीडियोस देखते जाइए और जितनी बार भी देखना हो उतनी बार देखिए क्योंकि ये 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आपसे कुछ भी पेमेंट नहीं लिया जाता है जो भी वीडियो जितनी बार आपको देखना है बिल्कुल टोटली फ्री सारा कंटेंट टोटली अरेंज है कहीं इधर उधर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसीलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय